हेलो फ्रेंड्स, हमारी आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपने सैमसंग के मोबाइल में जो है कीबोर्ड हैंगिंग प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आज वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब, वीडियो को कर दें लाइक और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आपको अपने फ़ोन की सेटिंग को ओपन कर लेना है। गाइस, सेटिंग ओपन कर लेने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाता है। तो गाइस, आपको यहाँ से स्क्रॉल कर लेना है। गाइस, स्क्रॉल कर लेने के बाद आपको यहाँ पर जनरल मैनेजमेंट का ऑप्शन दिख जाता है। तो गाइस, आपको जिस पर सिंपली क्लिक कर देना है। इसके बाद गाइस, आपको यहाँ पर सैमसंग कीबोर्ड सेटिंग्स का ऑप्शन दिख जाता है। तो गाइस, आपको इस पर सिंपली क्लिक कर देना है। गाइस, इसके बाद आपको यहाँ से स्क्रॉल कर लेना है। गाइस, स्क्रॉल कर लेने के बाद आपको यहाँ पर रिसेट टू डिफॉल्ट सेटिंग्स का ऑप्शन दिख जाता है। तो गाइस, आपको इस पर सिंपली क्लिक कर देना है। गाइस, इसके बाद आपको यहाँ से रिसेट कीबोर्ड सेटिंग्स पर क्लिक करके यहाँ से कीबोर्ड को रिसेट कर लेना है कुछ इस तरीके से। तो गाइस, इस तरीके से आपके सैमसंग के मोबाइल में जो भी कीबोर्ड हैंगिंग प्रॉब्लम होगा वो सॉल्व हो जाएगा। तो गाइस, हमारी आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कर दें लाइक, चैनल को कर दें सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और थैंक यू।